क्या है भाई सेंटेंस क्या है बच्चों? वह चाय पीना चाहती है। अब इसे चाय पिलाना है क्योंकि हमारी कोच में बच्चों कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाय बनाने का मन नहीं लगता है। और दिलीप सर का कुछ है ऐसा कहना था कि बच्चों अक्सर बच्चों का मन नहीं लगता है इसलिए उनकी आधे घंटे क्लास लेट की है चाय पीने के चक्कर में अंग्रेज चले गए लेकिन चाय को छोड़ गए इसलिए हमारी कोचिंग आज आधे घंटे लेट चल रही है। देखो मेरे बच्चों अब क्या है तीन चीज आपको ध्यान रखना कोई सब्जेक्ट बाय वो ऑब्जेक्ट क्योंकि इंडेफिनेट है ध्यान से सुनो। तो भाई मेरे सामने सब्जेक्ट क्या आया चाय सही है ठीक है तो क्या आया सी ध्यान से सुनो बच्चों सी हमारा सब्जेक्ट ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या है सब्जेक्ट के बाद हमें ये देखना है कि भाई इसमें ये तो देखो दो वर्ब तो नहीं है क्योंकि छाने वाली बात आ गई तो ये क्या है आपकी ध्यान से सुनना है आपको। अब एक बात जो वर्ब जो फर्स्ट वाली आप यहाँ लाओगे तो क्या आएगा भाई ठीक है भाई यस लगेगा ठीक है सिंगल सब्जेक्ट के साथ सी वांट्स आपको क्या आएगा बच्चों टू एक जी ठीक है अब मेरे बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन है अगर मैं बात करूं अगर ऐसी में ये आता है कि बच्चे ने जोड़ दिया वह और अगर उसने जोड़ दिया तो वह स्वयं चाय पीना चाहती है तो कैसे करोगे तो भाई आपको कुछ नहीं करना सेंटेंस जैसे का तैसा लगना है और लास्ट में आ जाएगी क्या और सेंटेंस आपको हो जाएगा ठीक है मेरे बच्चों इसको आप लिखो देख लोगे ठीक है बच्चों आप इधर देखो यहाँ से सर वह चाय पीना क्यों चाहती है देखो मेरे बच्चों कुछ चीज आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ भाई। देखो जब मैं आपको पास्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल जब आपको पढ़ाऊंगा ना तब आपके सामने क्या है कुछ चीजें लिखूंगा लेकिन थोड़ा से ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहूंगा भाई। जैसे है आज कौन सा डे है बच्चों क्या नहीं नहीं वो डे नहीं बोला मैं मतलब संडे मंडे आज कुछ ऐसा ही है ना तो आज मंडे है मतलब आज सोमवार है मतलब ठीक है बच्चों बड़ा ध्यान से क्वेश्चन है ध्यान से आपको सुनना है आज सोमवार है मेरे बच्चों अब आपके क्वेश्चन के बाद बच्चे प्लीज एक एक से पहले बच्चे बताओ बेटा ठीक है बच्चे बताओ मैं क्या लगू मेरे बच्चे प्लीज टुडे वेरी गुड टुडे फिर टुडे मंडे ठीक है भाई ठीक है। और एक मिनट अगर जैसे कि आपने लिखा भाई कि टुडे इज मंडे ठीक है अब जैसे आपके सामने तो आया भाई ठीक है आप समझे जैसे कि आज देखो बोलो आज बार बंद जैसे ही लिख सकता है हाँ बिल्कुल ठीक अब इधर देखो मेरे बच्चे जैसे आपके सामने आता है मेरे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है ध्यान से आपको सुनना है ठीक है मुझे कुछ बताएगा इसमें बर्ब कौन सी है प्यारे बच्चों जल्दी बता बताओ प्लीज ठीक है भाई बच्चे ने बोला बर्ब नहीं है बच्चे आप शेर उसके साथ सही बोल रहा है बच्चा कैसा बर्ब नहीं है वही काम कर रही है ना दोनों का बर्ब मेन वर्ब यानी कि बर्ब इसमें क्या है नॉन एक्टिव है ठीक है क्योंकि इसमें क्या है कोई जो क्रिया है ना एक्शन वो हो नहीं रही ठीक है यानी कि जैसे मैंने बोला आई एम टीचर तो कोई एक्शन हुई नहीं लेकिन आई थ्रू द मार्कर मैंने मार्कर को फेंका यानी एक्शन जनरेट हुई यहाँ पर एक्शन जनरेट नहीं हुई ठीक है तो क्या है दिलीप इज अ टीचर तो दिलीप क्या हुआ है भाई आपके सब्जेक्ट ध्यान से सुनो ये क्या हुआ सब्जेक्ट और ये मैंने बताया क्या हुआ मैन वर्ब हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब का काम करने लगती है उसे बोलते हैं हम आगे चल के लिंकिंग वर्ब इसके बारे में तुम्हें पढ़ाऊंगा। और ये क्या है आर्टिकल आर्टिकल हमेशा क्या नाम के पहले लगता है सिंगुलर काउंटेबल नाम के पहले और टीचर क्या है दस टीचर का एक टीचर है ध्यान से ऑब्जेक्ट मेरे बच्चों ये तो आप समझो ऑब्जेक्ट है लेकिन जब मेरे बच्चों जब वर्ब ना दी हो और हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब का काम करने लगे यानी लिंकिंग वर्ब का तो मेरे बच्चों इसको ऑब्जेक्ट ना बोलकर क्या बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ठीक है बच्चों ये कॉम्प्लीट वाले बच्चों ने पढ़ा होगा ठीक है बस एक कॉम्प्लीट लेवल पे इसका नाम दे दिया जाता है क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि इसमें वर्ब है नहीं और वर्ब से व्हाट है उनके रिप्लाई को क्या बोलते हैं
ऑब्जेक्ट, और मेरे बच्चे यहाँ पर वर्ब नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट का तो काम ही नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यानी कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैंने बताया क्या होता है, ठीक है, पहले बताया कि सप्लीमेंट की जो कॉम्प्लीमेंट है पूरक, तो इसी दिलीप के जो सब्जेक्ट है ना, इसी की सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है टीचर, इसलिए मैंने कह रखा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है, ठीक है मेरे बच्चों। भक्ति वो श्रद्धा होती है, हाँ हाँ कॉम्प्लीमेंट एल ई हो जाती है, ठीक है एल ई और एल आई एल ई और एल आई जो रहती है ना तब आता है वो, जैसे एल ई हो गया फिर आप बोल रहे हो कॉम्प्लीमेंट और ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है भाई। अब देखो जैसे क्या है बच्चों, कुछ चीज और है, कोई एट से मुझे एक एग्जांपल देगा, कोई बच्चा एट वाला एग्जांपल कोई भी, ठीक है इट इज टाइम फॉर स्टडी, ठीक है भाई ये पढ़ने का समय है, देखो भाई इधर देखो ये पढ़ने का समय है, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारी चीज आएगी सर, इसमें फोर कैसे आया या फिर बहुत सारी चीज, यानी कि सेंटेंस तो डिफरेंट है, ठीक है। अब ये इंडेफिनेट में लेकर ध्यान रखना, जब मैं पास्ट टेंस आपको पढ़ाऊंगा यानी सिंपल टेंस जब पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट सिंपल, जिसमें क्या है भाई वर्ब का होना या ना होना, यानी कि वर्ब क्या है नॉन एक्टिव रहेगी भाई। इसमें क्या है ये पढ़ने का समय है, मैंने इसे बुलाया है कि आज खुश होने का समय है, अब खुश होने का तो इसमें क्या आप पूछा गए नहीं बच्चों, आपने जंप क्यों नहीं किया, बस आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ। अब इसमें एक बात बताओ मेरे बच्चों के रिएक्शन हुई, रिएक्शन कुछ नहीं, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोला मैं आई एम टीचिंग यू, मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या एक्शन हुआ, इसमें वर्ब नहीं है भाई, तो क्या है इट इज टाइम फॉर स्टडी, ठीक है यानी ये पढ़ने का समय है। एक ये कोटेशन टाइप में मेरे बच्चे ऐसे आप किसी की पहचान नहीं होती, जैसे ये संग्राम का समय है, जैसे आपने 1857 की रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा तब, ठीक है तो इट इज टाइम फॉर स्टडी, ठीक है। अब मेरे बच्चों ए एट मैंने लगाया है, ठीक है अभी क्या एकदम दिलीप सर ने आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि इट इज फैन मूविंग, पंखा चल रहा है, बहुत सारे बच्चों की आवाज निकल गई, क्यों निकल गई, निकलनी है वो तो निकलनी है, क्वेश्चन ही ऐसा था, तो मेरे बच्चों समझने की कोशिश आप करो, एट उन्होंने बोला एक चीज उन्होंने बताई कि एट क्या है निर्जीव चीज के लिए आता है, बिल्कुल सही बात है, जैसे क्या है इट इज मंडे, टू डेज मंडे बच्चे ने सही बोला, लेकिन इट इज मंडे कब, ये शनिवार है, शनिवार है जितना रविवार है शनिवार तो इट इज आएगी, ठीक है इट इज मंडे, ठीक है। अब मेरे बच्चों ये मैंने लगाया एट, एट का मतलब क्या होता है ध्यान से सुनो, एट क्या है बच्चों आज समझने की कोशिश करें, एट अपने आप में एक सब्जेक्ट है ध्यान से सुनो, लेकिन सब्जेक्ट कैसा है मेरे बच्चों, डमी डमी सब्जेक्ट, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कल मैंने बच्चों यूट्यूब वाले बच्चों वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने कल बच्चों के टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैंने बच्चों को रिवाइज करवाया और क्या है आगे मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन आज मैंने आगे पढ़ाने की कोशिश की, ठीक है। तो एट क्या है बच्चों डमी सब्जेक्ट, डमी देखो डमी सब्जेक्ट बच्चों, इस बात को अच्छे तरीके से समझना है, शायद फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो यूट्यूब वाले बच्चे भी या फिर आप, ठीक है आप कल सुन चुके थे, तो मेरे बच्चों एट क्या है यहाँ पर डमी सब्जेक्ट है, और डमी सब्जेक्ट कैसी है यानी कि इसको बोल सकते हो आप लोकल, लोकल ही बोले हैं लोकल सब्जेक्ट, यानी कि एक ओरिजिनल की फोटोकॉपी ही लोकल कहलाता है, ठीक है यानी कि उसी की सेम कॉपी, तो स्टडी है इसी की, इसको यहाँ पर क्या इसकी भरपाई करने के लिए हमने एट लगाया है, क्योंकि वो क्या है नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है मेरे बच्चों। और एट के साथ जब तुम लगाओगे ना तो कैसे लगेगा, मतलब एस एच वी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इट के साथ हमेशा ऐसे नहीं इट आर डूइंग दीज वर्ब, नहीं मेरे बच्चे इट के साथ हमेशा सिंगुलर सेंटेंस आएगा, ठीक है मेरे बच्चे। अब इधर देखो डमी सब्जेक्ट है मेरे बच्चे, इधर देख, ठीक है तो डमी का मतलब क्या होता है, आप मॉल में गए हो, मॉल में जब कपड़े वगैरह लेते हो तो उसमें ऐसे कुछ इस तरीके से खड़ा रहता है, ऐसे मुस्कुराते हुए खड़ा रहता है, तो मेरे बच्चे को डमी क्या है एक व्यक्ति की तो एक चित्र है, लेकिन क्या है जैसे आपने पढ़ा होगा आप पढ़ोगे ऐसे दिलीप सर आपको पढ़ाते होंगे, ठीक है जब हिस्ट्री वगैरह सोशल साइंस में क्या मम्मी, मम्मी यानी क्या रहती है जो पिछले जमाने में जैसे कि मूर्ति वगैरह मिलती है ना, तो मैं व्यक्ति के सेम कॉपी टाइप की एक मम्मी निकलती है, ठीक है इसको इन्हें मम्मी बोलते हैं डमी को, तो मेरे बच्चों को वही है जैसे आपने दे रहा होगा ऐसे कुछ ऐसे बोलूँ टाइप का सर, ठीक है ऐसे कुछ ऐसे रहता है ना वो ऐसे जो भी हो भाई हमें क्या करना से, तो ये जो रहता है ना वो पुतला मेरे बच्चों वो यही है, वो यही सब्जेक्ट का काम करता है, यानी कि इसी की एक सेम कॉपी,
इसको डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। अगर कोई बोले एट क्या है तो एट क्या है भाई, ये कॉम्पिटेटिव वाले बच्चे आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये चीज, ठीक है। अब ऐसे आता है, देखो यूज एट का यूज कहाँ करते हैं, देखो भाई जहां पर जेंडर के लिए आप एट का यूज कर सकते हो, जेंडर के लिए करोगे तभी तो नॉन लिविंग के लिए कर पाओगे, ठीक है, एनिमल्स के लिए कर पाओगे। लेकिन कैसे कुछ कंडीशन रहती है, मैं बेबी के लिए कर सकता हूँ मेरे बच्चों एट का प्रयोग नहीं कर सकता, वेरी गुड। लेकिन वही बात मैंने बताई कि टर्म्स एंड कंडीशन होती है जहां पर आप कर सकते हो, देखो सेंटेंस में कर सकते हो लेकिन शुरुआत में नहीं कर सकते। देखो जैसे देर से बनाएंगे इसको, देरी टाइम एक मिनट बेटा, बिल्कुल बन सकता, क्यों नहीं, यहाँ पर ये है, ये है क्या है, तुम्हारा लिखी है मैंने, क्या लिखी मेरे बच्चे, ये है तो तब बनेगा, ठीक है। देखो मेरे बच्चे दर नॉट मेरे बच्चे, इट्स आर ओनली बेबी, नॉट बेबी। अगर मेरे बच्चे ये मिल जाए ना आपको बेबी, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, क्या लिखा है बताइए मुझे मेरे बच्चे प्लीज, इम्पोर्टेंट बात है मेरे बच्चे, बताओ कोई क्या है इसका प्लूरल तो नहीं है, नहीं आपने जैसे पढ़े हो कोई दिल्ली वगैरह गया हो जहाँ पे मार्केट में चला बेबी, ऐसे आजकल जो बच्चे बोलते हैं ना, जो यंग गर्ल्स होती है, यंग गर्ल्स तो प्यार से ऐसे बोलते हैं ना, प्लीज बेबी हाउ आर यू, जानू बेबी, सोना बेबी, पढ़ाया ना आपने, सुना होगा, समझ रहे मेरे बच्चों, देखो मैं सेटिंग से बोल रहा हूं, ठीक है। तो मेरे बच्चे समझने की कोशिश कर रहे हो, बेबी यानी यंग जो गर्ल्स होती है ना उनके ग्रुप को, मजाक इसलिए समझने की कोशिश, ठीक है मेरे बच्चे, अब इधर आओ, अब उसको भूल जाओ, कौन बेबी, सर बेबी, देखो बेबी यानी बच्चा, तो द बेबी इज बीपिंग, या फिर आप बोल सकते हो क्राइम, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, क्राइम क्राइम, ठीक है। और फिर आगे मैं इसमें लिखता हूँ, इट इज हंग्री, जो बच्चा है ना वो क्यों रो रहा है भाई, इट इज हंग्री, वो क्या है, भूखा है, ठीक है, क्राइंग यानी रोना है, चिल्लाना, जो बच्चों की वो रोने की आवाज होती है उसको बीपिंग नहीं बोलती है, उसको क्राइंग बोलते हैं, क्योंकि बच्चा रोता नहीं है, बच्चा चिल्लाता है, तो तुम क्या करती हो, अब तो जमाना सारे मन मन में रोते हैं मेरे बच्चे, ठीक है, उसकी स्पेलिंग हाँ, उसकी भी हम हमारे साइंटिस्ट सर से मैंने बोल दिया है, उसका रिसर्च करेंगे, ठीक है मेरे बच्चों, ये समझ में आया। अब एक चीज और आपके सामने आती है, कुछ चीजें मैं देखो इधर, देखो भाई जैसे आपके सामने आता है, ध्यान से कोई बच्चा मुझे बताएगा इसमें क्या है, सर दिलीप सर आपने आपका टेंथ कब किया था, ठीक है मेरे बच्चे, तो देखो सर ध्यान से आपको सुनना है, दिलीप देखो मान लो 415, ठीक है मेरे बच्चों 16, ध्यान से आप सुनो मेरे बच्चों, इसमें आप मुझे कोई बच्चा बताएगा कि मैंने लिखा है दिलीप हैड क्वालिफाइड एग्जाम इन 2016, पहली बात तो उसने ये बताओ सिंस फोर आ जाए क्या मेरे बच्चों, आ जाए क्या, नहीं आया क्या, परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है, नहीं हो सकता, एक चीज क्लियर है, अब ये बताओ इंक डालो उसमें, ठीक है, तो क्या है दिलीप एड क्वालिफाई एग्जाम इन 2016, कोई बताएगा इसमें गलत क्या है मेरे बच्चों, प्लीज बच्चों बताएगा मुझे गलत क्या है भाई, लेकिन जी थोड़ा सा बताने की कोशिश करें, अरे एग्जाम परीक्षा पास किया आपने, बस बस उसके बाद एग्जाम ही होती है, यानी कि आपने क्या एक इवेंट्स आपकी हुई पास, देखो बच्चों कोई भी इवेंट्स जो होती है, एक एग्जाम बनवा देता हूँ दोनों को समझाऊंगा एक साथ, देखो बच्चों पीटी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड डाइड इन 1964,
फोर, ठीक है भाई। ये भी पास्ट की इवेंट है, ये भी पास्ट की इवेंट है, ठीक है भाई। ये क्या है, थोड़ी थोड़ी सी घटना है। अब आपको ये समझना है गलत क्या है भाई, यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। बच्चे को कहना ऐड गलत है, ठीक है भाई। आप इसमें भी गलत है, ठीक है। देखो भाई, पहले तो हमें आगे सेंस पोने, यानी प्रेजेंट जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो तो ये है नहीं, यानी कि इंडेफिनेट का, इतना तो क्लियर है। सेंटेंस किसका हो सकता है, इंडेफिनेट का, इतना तो क्लियर है, ठीक है। लेकिन भाई आपको ये समझना है, मैंने आपको बताया बहुत सारी चीजें, जैसे क्या है, पास्ट की जो इवेंट होती है ना, उसके बारे में हम पास्ट की बात के बारे में बात करेंगे ना। जैसे मैंने बोला कि मैंने ऐसा काम सन 2010 में किया, तो मेरे भाई जो मैंने किया है ना, मैंने सीए नहीं किया, मैं ऐसा नहीं बोला कि 2010 से कर रहा हूँ, इसका मतलब तो मैंने किया और अभी चल रहा है, लेकिन नहीं, मैं बोला मैंने ऐसा किया, तो क्या उस चीज को मैं बताऊंगा तो क्या पास्ट इंडेफिनेट में लिखूंगा। जैसे मैं बोलता हूँ गांधी जी डांस सुनो कैम टू इंडिया इन 1950। देखो बच्चो, आप इधर देखो आप, ठीक है भाई। गांधी जी केम टू इंडिया 1950। लोगन बताइए सही है या गलत है भाई, प्लीज। सही है, ठीक है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एक चीज बेटा, जी गलत नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश करो भाई। यानी कि जब मैं किसी पास्ट की इवेंट के बारे में बात करूंगा, यानी पिछली बातों के बारे में बात करूंगा, तो उस चीज को मैं उस घटना को किसमें लगूंगा, पास्ट परफेक्ट में या इंडेफिनेट में। तो वही मैंने किया है कि हमें क्या ग्रीक हेड की जगह क्वालिफाई सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म भी है, और एज एग्जाम इन 2016, समझ में आया। अब इसमें क्या है, गांधी जी, थोड़ा सा बच्चों आप ध्यान देने की कोशिश करें प्लीज। देखो डाइड एंड सेकंड फॉर्म, ठीक है, यानी किसको क्या बोलेंगे जब आपको सेकंड फॉर्म बनने बताएगी डेड, ठीक है, इन 1964। और गांधी जी केम टू इंडिया, बिल्कुल सही बात है भाई, कि गांधी जी आए क्योंकि बर्थी सेकंड फॉर्म, यानी कि इलेक्शन हो चुकी है, तो गांधी जी। अब एक चीज और बच्चों, अच्छा मुझे कोई बताएगा, तो मुझे बताया जो मैंने गांधी जी के साथ जी लगाई है, कि ये लगाना सही है या गलत है भाई, उनका कहना है सुपर फ्लो सेक्शन आपके सामने हो रही है सर, इसलिए ये गलत है, ठीक है बच्चों। क्यों हो रही है, ठीक है, वैसे ये सही है, बिल्कुल राइट। आप स्पोकन में बोलिए, आप एक बार नहीं दो बार जी लगा दो तो गांधी जी जी हो जाए, ठीक है। लेकिन बच्चों जो एग्जाम्स में इंग्लिश कौन से भी हो, यानी ग्रामेटिकल आपको सही देखना है, तो गांधी जी के साथ जी लगाना गलत बात है, इस पर पूरा सर नॉनसेंस है भाई। इसका मतलब गांधी जी का सम्मान नहीं कर रहे, गांधी बोल रहे हैं उसे भाई। इंग्लिश में क्या, किसी व्यक्ति का सम्मान करने का तरीका है ये, आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, आपको सेंटेंस में दिख जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, आदरणीय परम आदरणीय सम्मानित श्री श्री 108 श्री पधारने वाले हैं, और उनका अपने हृदय की गहराई से सम्मान करना चाहते हैं, तो हिंदी में बेशक आप इनफिनिटिव रिस्पेक्ट दे सकते हो, लेकिन इंग्लिश में लिमिटेड, ठीक है भाई। तो हमारी हिंदी की मान्यता है मेरे बच्चों, तो क्या गांधी जी के साथ जी लगाना सुपर प्लस है। लेकिन बच्चों देखो, 10th 12th वाले बच्चों, आपको तो लगाना है गांधी जी लगाए, हमें भी लगाना है, लेकिन ऐसे देखो माता जी आ रहे हैं, हिंदी में ही गांधी जी आ रहा है, बिल्कुल वही। तो देखो हम उसको लगाते हैं, हम लगाते रहेंगे, लेकिन एग्जाम में आए तो सुपर क्रॉस माना जाएगा, जैसे जो कॉम्पिटेटिव वाले बच्चे। अब आपके सामने आता है, जैसे मान लो माता जी आता है, ठीक है, माता जी क्या खाना बना रही है, तो क्या है, अब एक बात बताया, मैं मान लो मदर लिख दिया, तो मदर लगा तो माता हुआ बच्चों, लेकिन ये जी मेरा रह गया है, तो जी क्या मैं लगाऊंगा, नॉनसेंस बात है भाई, मदर के साथ जी क्यों लगाऊंगा, बोलो माता जी हिंदी में लिखा लिखे, इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, इसलिए इस चीज को आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों। अब देखो ध्यान रखना, नेक्स्ट डे कल का आपका हॉलीडे रहेगा मेरे बच्चों, और अगले दिन जब आप आओगे एक या दो दिन बाद आपका कंप्लीट टेस्ट होगा जितना मैंने पढ़ाया है, उसके बाद एक दिन मैं आपकी क्लास लूंगा डाउट क्लास, जिसमें आप शुरू से लेकर एंड तक जितना मैंने पढ़ाया कुछ भी कैसे भी चाहे जैसे पूछ सकते हो मेरे बच्चों, ठीक है। रिवीजन आपको करना है अच्छे तरीके से, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है आपको, ठीक है, रागी जरूर बंधवाना है, ठीक है मेरे बच्चों। तो प्यारे बच्चे समझ में आया आपकी में, और जैसे यूट्यूब वाले बच्चे अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो भाई आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और पूछ सकते हो, आप भी बिल्कुल, या फिर मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है भाई आकर। और भाई देखो यूट्यूब वाले बच्चों, यार आपको मैं बताना चाहूँ, देखो लाइक और शेयर करना इट डज नॉट मैटर, ठीक है बच्चों, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आप उसको देखो, पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है बच्चों, अगर आप बीच में से देखते हो तो आप चाहें कि पूरा समझ में आएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ नहीं आएगा, ध्यान रखना।
तो मेरे बच्चों आप शुरू से देखने की कोशिश करें, लाइक करने की कोई जरूरत नहीं मेरे बच्चों, ना शेयर ना सब्सक्राइब, नो लाइक नो शेयर नो सब्सक्राइब। समझ में आता है तो लाइक कर सकते हो जब आपकी समझ में आता हो, अगर नहीं आया तो बिल्कुल नहीं करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और विश यू हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। थैंक्स।